ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब भी हम कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, तत्काल टिकट हम बुक करते हैं तो वेटिंग बुक हो जाता है, तो उस वेटिंग टिकट को कैंसिल कैसे करेंगे और फिर कैंसिल करने पे कितने पैसे रिफंड मिलता है, तो आज के वीडियो में लाइव देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से एक टिकट बुक किया था आज के डेट में, जो कि एक वेटिंग लिस्ट में आ गया था। सिंपल आप लोगों को करना क्या, जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपने टिकट बुक किए होंगे तो आपको उसी आईडी से को आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सिंपल आप लोग करना क्या, माई बुकिंग पे क्लिक करना है। माई बुकिंग पे क्लिक करने के बाद आप जिस टिकट को आप बुकना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे करेंट स्टेटस चेक करेंगे, ये टिकट हमारा कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने वेटिंग टिकट बुक किया है और टिकट आपका कंफर्म हो गया और टिकट आपने कैंसिल कर दी। यदि टिकट कंफर्म होने के बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेगा। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल टिकट, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी जितने भी टिकट होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जितने भी पैसेंजर का नाम होगा, जिसका वन बाय वन करके आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद जितने पैसे रिफंड आएंगे वो आपके मोबाइल फ़ोन पे वहाँ पे SMS के द्वारा देखने को मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं रिफंड अमाउंट 559 रुपये यहाँ पे रिफंड आ गया है। यदि आप स्लीपर क्लास का टिकट बुक करते हैं तो जो भी आपका बेसिक चार्ज होगा उसमें से आपको 60 रुपये काट लिया जाएगा। इसके बाद बाकी का पैसे आपको रिफंड भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग तत्काल हो या फिर नॉर्मल टिकट आप बुक करते हैं, यदि वेटिंग लिस्ट में है तो आप लोग टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।